भैया गुरुदेव स्थान ग्रहण करें, प्रणाम। और इसी बीच चौधरी योगेंद्र सिंह जी गरीब ये सुखपुर पाटा के पाठ पर खुश होकर के स्पेशल इनाम देते हैं। चौधरी साहब योगेंद्र सिंह जी का धन्यवाद। को किछ कहे न को पूछा प्रेम भरा। कुशल तो है, परिवार में सब लोग कैसे हैं? हे भैया राम, ये तुम क्या पूछे मुझसे भैया? कुछ नाथ पूछे हो परिवार की नगर की, कैसे जवाब दो? मैं जवाब मेरे पास नहीं है भैया, हम तो बड़े पापी हैं, हम तो बड़े अन्यायी हैं भैया। तुम्हें मन में भेज दिया हमारी माता ने, हमसे बड़ा अन्यायी कौन होगा इस दुनिया में? हम उसी माँ के बेटे हैं भैया। हे भैया राम, क्षमा करो भैया राम, हमें क्षमा करो। अरे भरत भैया, क्या हुआ ऐसा जो आप इतना विलाप कर रहे हो? तो बता देते हैं भैया, माता कहने के कारण ही पिताजी का स्वर्गवास हो गया भैया। कैसे बताओ तुम्हें भैया, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, सब कुछ नष्ट। हे विधाता, ये क्या हो गया विधाता? हे पिताजी, हे भैया, अरे पिताजी को क्या हो गया भैया? मैं वनवास क्यों आया पिताजी को छोड़कर भैया भरत? अरे हे विधाता, ऐसा क्या कर दिया मैंने, ऐसा क्या पाप हुआ मुझसे? करे पितु क्रिया हे भैया, जो कुछ हुआ है भैया, इसका दोष मेरी माँ का दोष है। मेरी माता ने किया, कैकेयी ने किया, जो कुछ किया है। आज देखो, हमेशा के लिए नेस्ता भूल कर दिया भैया, हमको तुमको न जाने कहां कहां भटका दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। माता कैकेयी ने सब कुछ खत्म कर दिया। हे भैया भरत, ये किसी का दोष नहीं है, न माता का न पिता का, ये सब समय का दोष है भैया। इस समय के आगे किसी की नहीं चलती भैया। तुम कान न गौरव भैया, मैं तुम्हारे पास आया हूं भैया। भैया लक्ष्मण धन्य है, माताजी सीता धन्य हो, लेकिन हम अयोध्या में तुम्हारे बाहर नहीं रह सकते भैया। हे भैया भरत, मैं और भरत बराबर है, मैं राज नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या हुआ? पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है, लेकिन आप राज करिए बड़े प्रेम से और जनता की सेवा करिए। नहीं भैया, मैं राज नहीं कर सकता, इस राज के कारण ही आज हम तुम किस मुकाम पर खड़े हैं, जिंदगी के किस मोड़ पर खड़े हैं। ये राज ही तो सब कुछ खत्म करा गया हमारा भैया। बड़े भ्राता के होते हुए राज नहीं कर सकता, ये अशोभनीय है, कलंकित है। हे भैया भरत, अरे
जो कुछ होई माथे जान करो उसे कचो। भैया कुछ भी हो आज मैं तुम्हारे पास, मेरा भैया सच्चूगन छोटा वो भी है, कुल गुरु भी है, लेकिन मैंने वचन दिया है कुल गुरु जी को, भैया राग को हर किसी कीमत पर मैं वापस लाऊंगा, अयोध्या में राज सिंहासन पर विराजमान कराऊंगा, ये मेरे दिल की भावना है भैया। अरे सारे पठरिए होए बनाओ और कीजिए ये सो भरी और भैया मेरी तुमसे विनती है, प्रार्थना है, अति शीघ्र नगर को चलिए, जितना शीघ्र भैया हमें क्षमा करिए और वापिस अयोध्या नगरी को चलिए। हे भैया भरत, मैं अब तुम्हें वापस नहीं जाऊंगा, क्या आप यही चाहते हो कि पिताजी ने मुझे आदेश दिया है और मैं उस आदेश पर कभी खरा न उतरूं? जो धर्म मैं करना चाहता हूं वही अधर्म हो जाए भैया, और मैं आपसे भी कहूंगा भैया, भैया जेठे भ्राता के होते, बड़े भैया के होते, यदि करता है तो कलंकित है समुचित नहीं और ये अनुचित है, कलंकित है, कदापि राज सिंहासन ग्रहण नहीं करूंगा, और मेरी विनती है तुम अयोध्या को चलिए। हे भैया भरत, मैं अयोध्या वापस नहीं जा सकता हूं क्योंकि ये अधर्म मुझसे नहीं होगा। सुनिए भैया, अयोध्या को चलिए, अयोध्या को चलिए, तमन्ना यही है, सोनी है नागरी, विनती यही है, सोनी है नागरी, विनती यही है। उसका मुझे पता नहीं है, विनती यही है अति शीघ्र चलिए, अयोध्या
भैया हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस कला को छुड़ा दीजिए भैया, हम क्षमा के योग्य नहीं है, अतिशीघ्र चलिए भैया उस नगरी अयोध्या को खुशहाली में वापस लाइए भैया, अमर चैन लौटा दो। हे भैया भरत, मैं कदापि अवध में लौट लौट नहीं जाऊंगा, और आपसे भी यही कहूंगा भैया, आप बड़े प्रेम से राज चलाएं, और उपदेश भी दूंगा भाई, अरे मैं कभी न दूंगा क्या वहां करो, और मैं भी अधर्म नहीं कर सकता हूं। तो भैया जब बात ऐसी है तो मैं राजग्रह नहीं कर सकता, लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता। आप मेरे बड़े भ्राता हो, श्री राम हो, आदर्श हो, एक ही शर्त पर अयोध्या वापस जाऊंगा, बोलो मंजूर है? बोलिए भैया, मुझे अपने चरणों मैं आशीर्वाद दो, मुझे चरण खड़ाऊ दो। जो आज्ञा भैया, और सुनिए मेरी बात। अरे अब कृपाल आयु तुम हो, और मेरी बात सुनो। हो मेरी ले जा चरणी खड़ाऊं, हे भैया भरत, हो मेरी ले जा चरणी खड़ाऊं, ओ भैया लौट अवध घर जा, ओ भैया लौट अवध घर जा, ओ भैया लौट अवध घर जा, ओ भैया
काके करे भैया फिर मिले अरे चौथे बरस काके करे भैया फिर मिले आप लेकर जाइए लाओ भैया मैं अपने शीश पर धारण करता हूं प्रभु कर कृपा पावनी दीनी सादर भरतो शीश धरनी सर जी लो पांच बार देख लेते हैं प्रभु और अपने शीश पर रख करके व्रत किया महाराज ने इन्हीं की सेवा इनको सिंहासन में विराजमान करूंगा आज मैं सौगंध मन में दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ मैं चरणों के रज में चरणों को शीश पर रख करके अयोध्या के राजकाज की व्यवस्था संभालूंगा धर्म की समाज की व्यवस्था संभालूंगा भैया की आज्ञा श्रद्धाल है अरे मांगेउ पिता प्रणाम करे और राम लिए और इसी भी हे भैया सदा खुश रहना भैया आज्ञा दीजिए और बड़े प्रेम से राजबाट चलाना अपना भैया प्रणाम जो दान दिया है वो इस प्रकार है 50 रुपए